दोस्तों, आज हम जो खुलासा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह खुलासा आज की राजनीति में बहुत अहम रोल निभाता है, इसलिए इसको दुनिया के सामने लाना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, कांग्रेस के खानदानी नेता और जमीन घोटाले के बड़े आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की बीवी प्रियंका वाड्रा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा भी एक खास शख्स ने किया है। हम आपको बता दें कि खुलासा ये है, प्रियंका वाड्रा बहुत ही ज्यादा हिंसक हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो कब किस पर हमला कर दें ये कहा नहीं जा सकता है। और ये खुलासा डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी ने किया है, जो कि राजीव गांधी के काफी करीबी थे और प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों ही उनके सामने छोटे से बड़े हुए हैं, तो वो इस परिवार के बारे में काफी कुछ जानते हैं जो कि दुनिया नहीं जानती है। डॉक्टर स्वामी से मीडिया ने जब प्रियंका वाड्रा पर सवाल किया तो डॉक्टर स्वामी ने अपने अंदाज में एक बड़ा खुलासा कर दिया। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा को एक बीमारी है जो कि सार्वजनिक जीवन में अनुकूल और उपयुक्त नहीं है। इस बीमारी को वाई पोलरिटी कहते हैं। डॉक्टर स्वामी ने अजीत कहा कि प्रियंका वाड्रा हिंसक है और वो लोगों को पीटती भी है। दोस्तों, डॉक्टर स्वामी के खुलासे से ये साफ हो गया कि सोनिया के दोनों बच्चों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। राहुल गांधी मूर्ख है जबकि प्रियंका वाड्रा का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब है और ये कब किस पर हमला कर दे कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, और अधिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे आप और हम हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।